वाले हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो जो कि खड़ी बोली हिंदी के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक गिने जाते हैं, उनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान, उनके जीवन परिचय, उनके जीवन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जो पास ही में जो बेल आइकन बनाए उसको भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो जो इस चैनल के माध्यम से आएगी वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीर खुसरो जिनका समय 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक माना जाता है, जो कि हिंदी खड़ी बोली के पहले लोकप्रिय कवि थे, जिन्होंने गजल, ख्याल, कव्वाली, रुबाई, तराना इत्यादि की रचनाएं की थी। अमीर खुसरो के जीवन परिचय पर अगर नजर डालें तो अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में गंगा नदी के किनारे हुआ था। वे मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे और ये लोग यानी कि अमीर खुसरो के परिवार के लोग चंगेज खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलबन के राज्यकाल में शरणार्थी के तौर पर भारत आकर बस गए थे। खुसरो के ननिहाल वाले हिंदू राजपूत थे और उनके परिवार में हिंदू रीति रिवाजों को मान्यता दी जाती थी। ननिहाल में संगीत का अच्छा माहौल था, इसी से धीरे धीरे खुसरो का मन भी संगीत की तरफ रमने लगा। 7 वर्ष की उम्र में खुसरो के पिता की मृत्यु हो गई। खुसरो ने संत हजरत निजामुद्दीन औलिया उर्फ सुल्तानुल मसायक से दीक्षा ग्रहण की और वो सूफी बन गए। किशोर अवस्था में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था और 19-20 वर्ष के होते होते खुसरो की प्रसिद्धि एक कवि के तौर पे हो गई। खुसरो ने अपना संपूर्ण जीवन राजाश्रय में बिताया। उन्होंने गुलाम, खिलजी और तुगलक तीन तीन अफगान राजवंशों और इन तीन राजवंशों के लगभग 11 सुल्तानों का उत्थान पतन अपनी आंखों से देखा। राजदरबार में रहने पर भी खुसरो ने कभी भी इन राजनीतिक षड्यंत्रों में हिस्सा नहीं लिया जो कि प्रत्येक उत्तराधिकार के समय अनिवार्य रूप से हुआ करते थे। राजनीतिक दांवपेच से अपने को सदैव अनासक्त रखते हुए खुसरो लगातार एक कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। खुसरो की व्यवहारिक बुद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वे जिस आश्रयदाता के कृपा पात्र और सम्मान भाजक रहे उसके हत्यारे उत्तराधिकारी ने भी उन्हें किया। तेरहवीं शताब्दी में भारतीय कवि और संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने पखावज के दो टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। हालांकि तबला इससे पुराना वाद्य यंत्र माना जाता है, लेकिन तबले का परिवर्धित संस्करण जो सामने आया, नया संस्करण जो सामने आया वो अमीर खुसरो की देन। अब इनके राजाश्रय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1270 ईस्वी में खुसरो को सम्राट गयासुद्दीन बलबन के भतीजे जो कि कड़ा इलाहाबाद के हाकिम थे अलाउद्दीन मोहम्मद कुलिश खां उर्फ मलिक छज्जू का राजा से प्राप्त हुआ। वे गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में भी रहे थे। बलबन के ज्येष्ठ पुत्र सुल्तान मोहम्मद का निमंत्रण पाकर वो दिल्ली आए और खुसरो का यही आश्रयदाता जो था वो सबसे ज्यादा सुसंस्कृत और कला प्रेमी था। सुल्तान मोहम्मद के साथ उन्हें मुल्तान भी जाना पड़ा और मुगलों के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें भी शामिल हुए थे खुसरो। इस युद्ध में सुल्तान मोहम्मद की तो हो गई मृत्यु और खुसरो को बंदी बना लिया गया। खुसरो ने बड़े साहस और कुशलता के साथ बंदी जीवन से मुक्ति प्राप्त की। अलाउद्दीन के दरबार में सबसे अधिक समय बिताया। कुछ दिनों तक वे अपनी मां के पास पटियाली तथा अवध के एक हाकिम अमीर अली के यहां रहे, परंतु वहां उनका मन नहीं लगा। शीघ्र ही वे दिल्ली को लौट आए। शेख निजामुद्दीन औलिया अफगान युग के एक महान सूफी संत थे। अमीर खुसरो ने 8 वर्ष की उम्र में ही इनसे दीक्षा ग्रहण की और इनके शिष्य हो गए थे। ये गुरु का ही प्रभाव था कि राजदरबार के वैभव के बीच रहते हुए भी खुसरो हृदय से रहस्यवादी सूफी संत बन गए। खुसरो ने अपने गुरु का मुक्त कंठ से यशोगान भी किया है और अपनी मासनबियों में उन्हें सम्राट से पहले स्मरण किया है। अमीर खुसरो किसी काम से एक बार दिल्ली से कहीं बाहर गए हुए थे, वहीं उन्हें अपने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के निधन का समाचार मिला।
शाम के ढलते समय पर उनकी मृत देह देखी खुसरो ने, तो उनके पैरों पर सर पटक पटक कर वो मूर्छित हो गई और उसी बेसुध हाल में उनके होठों से निकला, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारी केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चहुं देश। कहते हैं कि उसी दिन धन संपत्ति का दान कर काले वस्त्र धारण कर अपने पीर की समाधि पर जा बैठे और कभी न उठने का दृढ़ निश्चय कर लिया। वहीं बैठकर वो धीरे धीरे अपने प्राणों को विसर्जित करने लगे। कुछ दिनों बाद ही, कहा जाता है कि 6 महीनों बाद, कुछ दिनों बाद ही पूरी तरीके से अपने प्राण विसर्जित करके खुसरो अपने प्रिय से जा मिले। पीर की वसीयत के हिसाब से उनकी कब्र उनके पीर के पास ही बनाई गई। इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। खुसरो ने मसनबी किरानुस सादेन, जो कि मुइजुद्दीन कैकबाद के दरबार में लिखी थी। इसके अलावा निफलोल फतह, जो कि जलालुद्दीन की प्रशंसा में लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। इसके अलावा तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा रचित अंतिम कृति मानी जाती है। अलाउद्दीन ने भी सुल्तान होने पर अमीर खुसरो को उसी प्रकार सम्मानित किया और उन्हें राजकवि की उपाधि प्रदान की। अलाउद्दीन की प्रशंसा में खुसरो ने जो रचनाएं की वे अभूतपूर्व थी। खुसरो की अधिकांश रचनाएं जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा चर्चित है, वो अलाउद्दीन के राजकाल की ही है। उन्होंने 1298 ईस्वी से 1301 ईस्वी की अवधि में 5 रोमांटिक मसनबियां लिखी थी, जो कि पंचगंज के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसमें मल्लोल अनवर, सिरीन खुसरो, मजनू लैला, आईने सिकंदरी, हस्त विहिस्त आदि प्रमुख है। पद्य के अलावा खुसरो ने 2 गद्य ग्रंथों की भी रचना की थी। पहला ग्रंथ है खजाइन उल फोतो, जिसमें अलाउद्दीन की विजयों का वर्णन है। दूसरा है एजाज खुसरवी, जो कि एक अलंकार ग्रंथ माना जाता है। अलाउद्दीन के शासन के अंतिम दिनों में खुसरो ने देवल रानी खिजर खान नाम से एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मसनवी भी लिखी थी। खुसरो को हिंदी की तूती या हिंद की तूती भी कहा जाता है। तूती मतलब आवाज। अमीर खुसरो मुख्य रूप से फारसी के कवि हैं। फारसी भाषा पर उनका अप्रतिम अधिकार था। उनकी गणना महाकवि फिरदौसी, शेख सादिक और निजामी फारस के महाकवियों के साथ होती है। फारसी काव्य के लालित्य और मारदव के कारण ही अमीर खुसरो को हिंदी की तूती कहा जाता है। अरबी फारसी के साथ साथ अमीर खुसरो को अपनी हिंदवी ज्ञान पर भी बहुत गर्व था। उन्होंने स्वयं कहा है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। उनके नाम से हिंदी में पहेलियां, मुकरियां, 2 सखुने, कुछ गजलें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा उनका फारस हिंदी कोश खालिक बारी भी इस प्रसंग में उल्लेख करने योग्य है। मीर तकी मीर अपने निकातुस्वरा में लिखते हैं कि उनके समय तक खुसरो के हिंदी गीत अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। अभी दिल्ली दूर है, ये कहावत है जो खुसरो के समय से प्रचलित है, या कह सकते हैं इसका संबंध खुसरो से। एक बार की बात है, उस समय खुसरो गयासुद्दीन तुगलक के दिल्ली दरबार में दरबारी कभी हुआ करते थे। तुगलक खुसरो को तो चाहता था, मगर हजरत निजामुद्दीन के नाम तक से वो चिढ़ता था। खुसरो को तुगलक की यही बात नागवार गुजरती थी, मगर वह क्या करता, बादशाह का मिजाज ठहरा। बादशाह एक बार कहीं दिल्ली से बाहर गए हुए थे और दिल्ली लौट रहे थे, तभी चिढ़कर उन्होंने खुसरो से कहा कि हजरत निजामुद्दीन को पहले ही आगे जाकर यह संदेश दे दें कि बादशाह के दिल्ली पहुंचने से पहले ही वे दिल्ली छोड़कर चले जाएं। खुसरो को बड़ी तकलीफ हुई, पर अपने संत को यह संदेश कहा और पूछा अब क्या होगा, तो हजरत निजामुद्दीन ने उन्हें बड़े आराम से कहा, कुछ नहीं खुसरो, तुम घबराओ मत, हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। सचमुच बादशाह के लिए दिल्ली बहुत दूर हो गई। रास्ते में ही एक पड़ाव के समय वो जिस खेमे में ठहरा था, भयंकर अंधड़ से वो टूट कर गिर गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तभी से ये कहावत प्रचलित हो गई, अभी दिल्ली दूर है, जो कि पहले खुसरो की शायरी के माध्यम से हिंदी में आई और बाद में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित हो गई। दिल्ली में खुसरो के गुरु शेख निजामुद्दीन की जब मृत्यु हो गई, तो इस शोक को खुसरो
सहन नहीं कर सके और दिल्ली लौटने पर 6 महीने के भीतर ही सन 1325 ईस्वी में खुसरो ने भी अपनी यह लीला समाप्त कर दी। खुसरो की समाधि शेख की समाधि के पास ही बनाई गई। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक